सूरत के किम रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होने से बचा है और इस हादसे को अंजाम देने की साजिश रचने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है सूरत पुलिस ने, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ट्रेन हादसा लगातार हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं आपको ट्रेन हादसा सुनने और देखने को मिल रहा है। इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही है जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है कि कोई लोहे का खंभा ट्रेन की पटरी पर रख रहा है तो कोई गैस सिलेंडर रख रहा है और ऐसे कई खबरें आपको सुनने और देखने को मिल रही है। इस बीच सूरत के किम रेलवे स्टेशन के पास बताया जा रहा है कि एक साजिश रची गई और ये साजिश रचने वाले रेलवे के एम्प्लॉयज ही थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये तीनों जो बताए जा रहे हैं कि रेलवे के एम्प्लॉयज है और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। आप एनआई की ये खबर देखिए। सूरत ग्रामीण के एसपी हितेश जोयसार ने कहा है कि 21 सितंबर को किम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। मामले की जांच के लिए पुलिस की 16 टीमें बनाई गई और लोगों से बात भी किया गया और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। एएनआई, गुजरात एटीएस और अन्य एजेंसी भी जांच का हिस्सा थी। पूछताछ में आरोपी सुभाष, मनीष और शुभम ने कबूल किया कि वो मशहूर होने और पैसा कमाने के लिए और रात में गश्त जारी रखने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है। अब पुलिस को पता चला कि ट्रैक पे काम करने वाले सुभाष, मनीष और शुभम तीन लोग थे। सुभाष 9 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, मनीष 1.5 साल से और शुभम जो है वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ट्रैक पे काम कर रहे हैं और उस रात उनकी ट्रैक मेंटेनेंस की और पेट्रोलिंग की ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी। तो अभी आपने जिनको सुना है ये सूरत रूरल एसपी है जिनका ये कहना है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे ये जांच की गई और कौन कौन इस जांच के हिस्सा बने और उसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लोगों से बात किया गया। तो उसमें जो तीन आरोपी आपको जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक का नाम है सुभाष, दूसरे का नाम मनीष और तीसरे का नाम शुभम है, इन लोगों ने ये कबूल किया कि मशहूर होने के लिए और पैसा कमाने के लिए इन लोगों ने ये काम किया। ट्रेन को पटरी से उतारने की जो साजिश रची गई उसमें इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद मैं आपको एबीपी की ये खबर दिखा रहा हूँ, इस खबर को भी आप देख सकते हैं। इस खबर में भी यही सब कुछ लिखा गया है कि कैसे ये सब कुछ हुआ, रेलवे के तीन एम्प्लॉयज को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में जिन्होंने ये साजिश रची ट्रेन को ड्रिल करने की। और उसके बाद होता यह है कि इसको लेकर पुलिस की 16 टीम बनाई जाती है और उसके बाद इन तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो लगातार आपको ऐसी खबरें सुनने और देखने को मिल रही है। एक तरफ तो ट्रेन हादसे लगातार हो रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी साजिश की जा रही है और ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे ट्रेन हादसा हो सकता है। लेकिन गनीमत ये रही कि मौके पे इसे रोक लिया गया और इस मामले में जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप अपनी राय इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।